मणियाहो विधानसभा के नोनारी ग्राम सभा में हुए प्रेस वार्ता में अशोक सिंह ने बताया कि मणियाहो 370 विधानसभा को विकास के लिए एक क्षेत्रीय विधायक चाहिए। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए बसपा छोड़ी है और विकासशील इंसान पार्टी से 370 विधानसभा मणियाहो का उम्मीदवार हूँ। सुषमा पटेल और आरके पटेल दोनों बाहरी हैं, इसलिए मुझे सपोर्ट करें। तो अभी देखिए, अभी बता नहीं सकता, शायद हो सकता है कि अभी वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए। सर ये बताइए सर कि मणियाहो की जनता जो यहाँ पे किसान ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो किसानों का ये कहना है कि जो यहाँ पे खुले पशु इसमें घूम रहे हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पे अगर प्रतिनिधि करने आते हैं तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो नाव मैं लेके आ रहा हूँ उसमें सारी गैया माता को, गौ माता को बिठाऊँगा और उसको उनको लेके जाके गौशाला में छोड़ दूँगा, तो किसी का नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं ये काम करूँगा मणियाहो के विकास, जो भी नुकसान कहीं से जो भी हो रहा है वो नुकसान नहीं होने पाएगा। और सर मणियाहो विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मणियाहो विधानसभा की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति जाति की न करे, धर्म की न करे, किसी अच्छे इंसान को चुने। मैं यही सोच के आया हूँ कि जनता के बीच मैं जनता का भला करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे वो विजयी बनाते हैं विजय, मैं इस तरह कैलकुलेशन से विजयी भी हो रहा हूँ, मैंने कहा ना 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा मुझे मिल रहा है, तो मैं विधायक नहीं बन रहा हूँ, यहाँ की जनता विधायक बन रही है। विधानसभा में मैं इनकी आवाज़ उठाऊँगा और मैं जब मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से मैं इतना काम किया हूँ, मैं 15 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ मणियाहो विधानसभा में, मैं कोशिश करूँगा कि उनको किसी चीज़ की कमी ना और मणियाहो का विकास हो। अशोक जी, अभी आपने कहा कि जो टिकट खरीदने बेचने का जो मामला चल रहा है, निसारों के नेता कहे जाते हैं संजय निसार बताते हैं, लेकिन उनके भी राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुभाष यादव उनके ऊपर टिकट बेचने का, 7 करोड़ टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं, उसने सभी पतों से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या यहाँ के जो निसार हैं वो मुकेश सहनी को अपना नेता के तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि मुकेश सहनी ने उनका एक रिजर्वेशन, आपको पता नहीं होगा, वो रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही थी, उनको रिजर्वेशन चाहिए था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो ये बिक गए, जिनकी आप बात करें निषाद पार्टी के, संजय निषाद जी बिक गए, इसलिए उनसे जनता खराब है। लेकिन ये बिके नहीं, ये उन्होंने गठबंधन नहीं किया, कह तो रहा हूँ बिहार में गठबंधन है तो उनको पहले गठबंधन का ऑफर दिया गया, उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कहा नहीं पहले हमारे समाज के साथ न्याय होना चाहिए, उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं उनके साथ में हूँ। तो सारे निषाद उनके साथ जा रहे हैं, न कि संजय निषाद के जा रहे हैं, सहनी के साथ जा रहे हैं सारे के सारे निषाद। निषादों को अपना नेता किसे मानना चाहिए, संजय निषाद को या मुकेश सहनी जी? मुकेश सहनी जी को ऑफकोर्स उनको मानना चाहिए और सारे मान रहे हैं। मैं भ्रमण कर रहा हूँ यहाँ पे निषादों के बीच में, मैं जा रहा हूँ, कल ही मैं बैठा था तो वहाँ पे कम से कम 25-30 निषाद आए थे कि बोले सर मैं आपके साथ हूँ, इसलिए कि उनका बताना रिजर्वेशन जो था उस पर अड़े रहे सहनी जी और ये बिक गए। मैंने आपको कहा कि सारे निषाद को मैं उस नैया पे बिठाऊंगा और उनके लिए सिर्फ परोपकार का काम करूंगा, भला का काम कर, उनको कोई असुविधा मणियाहो विधानसभा में नहीं होगी। कहीं पे ब्रिज नहीं है, ब्रिज की समस्या है, आपसे ज़्यादा मुझे वोट मिल रहे हैं, उसका कारण है कि मैंने कहा ना कि सारे ठाकुर और ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है, दोनों पार्टियों ने किया है, तो हमारे यहाँ 38,000-40,000 ठाकुर है, यहाँ पे 20,000 निषाद है, यहाँ पे निषाद कोई खड़ा नहीं हुआ, बीजेपी के गठबंधन का भी निषाद यहाँ से नहीं खड़ा है, शाहगंज में खड़ा है, तो यहाँ पे 25,000-26,000 वोट निषादों का है, वो मैं मुझे पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है, 38,000-40,000 वोट ठाकुरों का है वो मुझे मिल रहा है क्योंकि अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का वोट है 40,000-45,000 उनका अपमान हुआ है, वो हमारे साथ में है, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अन्य जातियाँ हैं पाल समाज की, हर कन्नौजिया समाज की, जितने भी लोक समाज के लोग हैं सारे मेरे साथ हैं, क्योंकि ये जो पटेल हैं वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो हम जाति की राजनीति खत्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं मणियाहो विधानसभा में, लोगों का सम्मान बचाने के लिए और मणियाहो में काम करने के लिए आए हैं। सर जिस तरीके से मणियाहो विधानसभा पिछला इलाका माना जाता है, चाहे बनारस की बॉर्डर की बात करें, चाहे भदोही, टूटी हुई सड़क के नाम से पहचाना जाता है, तो आप एक उद्योगपति हैं, चुनाव जीतने के बाद किस तरीके के प्रोजेक्ट लाएंगे मणियाहो विधानसभा खासतौर से? मैंने जब पर्चा भर रहा था तभी भी यही क्या बात कहा था आपसे कि जब आप जौनपुर से चलिए मणियाहो विधानसभा, आप रमदियालगंज से देखेंगे वहाँ से चालू हो जाती है, यानी 3-4 किलोमीटर के बाद वहाँ पे एक पार्ट आ जाता है मलनी विधानसभा का, दूसरा पार्ट जफराबाद का आ जाता है सदर का, तो वहीं से मणियाहो भी चालू हो जाती है। वहाँ से अगर आपको मिर्जापुर वाली रोड में भदोही तक पहुँचना है आपको, तो आपने देखा होगा आधे घंटे का रास्ता
वो आप 6 घंटे में 7 घंटे में कभी कभी सफ़र करते हैं। अगर आपको भदोही जाना, भदोही कस्बे में जाना है, मिर्ज़ापुर जाना है, तो आधे घंटे में भदोही पहुंच सकते हैं इस रोड से, लेकिन आपको 6-7 घंटे लग जाते हैं। और अगर उस पर जाम लग गया तो भरोसा नहीं 10 घंटे में भी पहुँचेंगे। मैं कई बार फंसा हूँ इस जाम में। तो सबसे पहले मैं ये जो मड़ियाहूँ विधानसभा भी जितने रास्ते हैं, जैसे भी यहाँ पे जितने भी विधायक आए हैं, जितने भी सांसद, कभी किसी ने कोई काम ही नहीं किया है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले मैं वो काम करने का काम करूँगा। अगर मड़ियाहूँ की जनता अगर हमें जिताती है वहाँ पे, अगर मैं विधानसभा में जाता हूँ, विधान भवन में जाता हूँ, तो उनके लिए मैं काम करूँगा, मतलब यहाँ की जनता के लिए काम करूँगा, रास्ता बनाने का काम करूँगा। दूसरा, मैंने कोरोना पीरियड में काम किया, 3 महीने में कंटिन्यू काम किया है मैं। वहाँ पे मैं गांव-गांव भ्रमण किया हूँ, वहाँ पे रास्ते नहीं हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंसान को चाहिए कि वहाँ पे सड़क की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, सड़क की मतलब रास्ते की व्यवस्था है, चक्रोड भी ठीक से नहीं है, तो रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीनों का अभाव मड़ियाहूँ में है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर मड़ियाहूँ की जनता मुझे चुन के लाती है, आपने मेरा चुनाव चिन्ह आप जानते हो, और कितना देखिए, मैं वही अभी अपने लोगों से चर्चा यहाँ पे कर रहा था कि आपको, आपने जब मैं पर्चा भरा था तो आप साथ में थे हमारे, हमने वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि बे लड़ाई कौन किससे है। आपने देखा कि कुछ कल पर्चा खारिज हुए हैं और कल 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि लड़ाई के मैदान में एक्चुअल रूप से कितने कैंडिडेट हैं। मेरा कैलकुलेशन ऐसा है कि आपने देखा होगा कि 2 पार्टियां थी, बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन। अभी सपा के साथ राजभर थे, अपना दल था, ठीक है, उनकी कृष्णा पटेल वाली, और इनके साथ बीजेपी के साथ निषाद पार्टी थी, और इनका अपना दल था, यश था, अनुप्रिया पटेल वाली। लेकिन दोनों दलों में किसी ठाकुर और ब्राह्मण को नहीं दिया गया टिकट। एक तो पटेल आ गए बाहर से, दूसरे भी पटेल आ गए बाहर से, सुषमा पटेल आ गई बाहर से, इंपोर्ट हो गई यहाँ पे, किया गया उनको, क्योंकि वो विधायिका वहाँ थी मुगरा बादशाहपुर में, तो उन्होंने मुगरा बादशाहपुर में क्या काम किया है, यानी उनको मुगरा बादशाहपुर अच्छा नहीं लगा, या उत्तर प्रदेश में नहीं है, या इस ज़िले में नहीं है, क्या समझ के वो मड़ियाहूँ में आई, वहाँ उनसे नहीं हो सका, काम नहीं हो पा रहा था क्या? तो वहाँ से आगे आर के पटेल को आप यहाँ से ला दिए बीजेपी के गठबंधन से, बीजेपी का सिंबल यही नहीं है, कप प्लेट पे आई है वहाँ पे लड़ने के लिए। तो इन दोनों से मैं लड़ाई में हूँ, इसलिए कि मैं लड़ाई लड़ा कि अगर मुझे जैसे ना ही उसने टिकट दिया, ना उन्होंने टिकट दिया किसी ब्राह्मण ठाकुर को, तो फिर मैंने पर्चा भरा हूँ बीआईपी पार्टी से, जो कि जिनका गठबंधन कि बिहार में जो मिनिस्टर हैं साहनी जी, आपको पता होगा वो नीतीश के साथ वहाँ पे सरकार, मुकेश साहनी वहाँ नीतीश के साथ उनकी सरकार बनी है, बीजेपी का गठबंधन है वहाँ पे, तो वो उनकी पार्टी से मैंने टिकट लिया, उनके विचार मुझे अच्छे लगे, मैं चुनावी मैदान में आया। मैं ठाकुर ब्राह्मण का सम्मान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, मड़ियाहूँ विधानसभा का सम्मान बचाने के लिए, मड़ियाहूँ विधानसभा में काम करने के लिए, जो यहाँ पे जीत के आते हैं तो काम चोर होते हैं, आपको पता होगा कि, इसलिए मैं यहाँ पे लड़ाई में आया हूँ और मैं लड़ाई में हूँ। अब मैं जीत कैसे सकता हूँ, मैंने आपको